मैं पहले प्रीलिम्स दे रही थी, मेरा फोकस नॉलेज एक्विजिशन पर था, शायद थोड़ा नर्वस हो गई थी, एंजाइटी रिडन हो गई थी. टॉकिंग अबाउट द सेकेंड वन, आई अटेम्प्टेड अप्रॉक्सीमेटली 90 क्वेश्चंस, शायद थोड़ा नर्वस हो गई थी, एंजाइटी रिडन हो गई थी. टॉकिंग अबाउट द सेकेंड वन, आई अटेम्प्टेड अप्रॉक्सीमेटली 90 क्वेश्चंस. मैं अपने हिसाब से सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाई. टाइम थोड़ा कम होता है और आपको एक टाइम कॉन्स्ट्रेंट लेकर चलना होता है. मैं बेसिकली 6 to 8 hours डेली अपना टारगेट बनाती थी और मैं ट्राई करती थी कि मैं इस टारगेट को हमेशा रीच करूँ. बताइए. मेरा नाम आशना चौधरी है. बेसिकली मैंने अपनी स्कूलिंग दिल्ली पब्लिक स्कूल गाज़ियाबाद से पूरी की, ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से. उसके बाद मैंने इंग्लिश ऑनर्स, बीए इंग्लिश ऑनर्स किया लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमेन से. एंड प्रेजेंटली मैं मास्टर्स कर रही हूँ इंटरनेशनल रिलेशंस में साउथ एशियन यूनिवर्सिटी से. ओके, सो मैम, सिविल सर्विसेज या फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन का मोटिवेशन कहाँ से आया था कि आपको आईएएस या आईपीएस बनना है? बेसिकली मैं हमेशा एजुकेशन में काफ़ी अच्छी रही हूँ. अकेडमिक्स में मैं थोड़ा सा हमेशा अचीवर्स बैच में रही हूँ. तो पॉपुलर ओपिनियन सबका यही था कि ये सिविल सर्विसेज में ही जाएगी, और मेरे ह्यूमैनिटीज़ लेने के बाद वो और स्ट्रॉन्ग होता चला गया. बट आफ्टर माई ग्रेजुएशन आई वॉज नॉट वेरी श्योर वेदर आई वुड वॉन्ट टू गो ऑन विद सिविल सर्विसेज, बट आई थॉट आई वुड रादर स्किम थ्रू द सिलेबस एंड सी वेदर इट सूट्स मी और नॉट. एंड आफ्टर आई स्किम थ्रू इट, इट सीम वेरी रेलिवेंट, एंड आफ्टर आई डाइव्ड डीपर आई न्यू दिस इज द थिंग फॉर मी. मैम, आपका ये जैसे थर्ड अटेम्प्ट है, तो इसके पहले के अटेम्प्ट्स बताइए और प्रिपरेशन आपने कब से करना स्टार्ट करी? बेसिकली ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट है. इससे पहले मैंने दो और अटैम्प्ट दिए हैं. प्रिपरेशन मैंने 2019 से करनी शुरू की. 2020 में मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, 2021 मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था. दोनों ही अटैम्प्ट में मैं प्रिलिम्स क्लियर नहीं कर पाई थी, और फाइनली इस अटैम्प्ट में आई कुड क्लियर प्रिलिम्स मेन्स एज वेल एज इंटरव्यू. ओके, सो मैम, जो फर्स्ट टू अटैम्प्ट से आपने अभी बताया कि प्रीलिम्स भी नहीं हुआ, तो उस टाइम पर डेफिनेटली आपके मन में आया होगा कि शायद हमसे और भी ज़्यादा होशियार स्टूडेंट, या फिर हम इस लायक नहीं है शायद, कभी ऐसा मन में आया था? काफ़ी मैं डीमोटिवेटेड हो गई थी. मुझे लगा था कि क्या मैं सही कर रही हूँ. मैं अपने चॉइस को क्वेश्चन करने लग गई थी. वो हुआ था बिल्कुल मेरे साथ शुरू में, बट फिर बाय द टाइम सेकेंड अटैम्प्ट आया, आई रियलाइज कि मेरे लिए ये ही चीज़ बनी हुई है और मैं इसके लिए बनी हुई हूँ. तो इट्स ओके, आई विल कीप वर्किंग इन द सेम डायरेक्शन. मैम, अभी आपके इतने अच्छे रैंक के साथ यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है, तो आपका और आपके फैमिली वालों का क्या रिएक्शन था? मेरा काफ़ी मिक्स्ड रिएक्शन है. मुझे काफ़ी खुशी भी हो रही है, बट साथ ही साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास भी हो रहा है. मुझे थोड़ी नर्वसनेस भी हो रही है. काफ़ी मिक्स्ड इमोशंस हैं, बट मेरी फैमिली बहुत खुश है. उनमें खुशी की लहर दौड़ी हुई है. राइट मैम, जो प्रीलिम्स दे रहे थे या फिर तैयारी जब आपने स्टार्ट करी थी, तो वो कैसे कर रहे थे, देन अभी वाले अटेम्प्ट्स में कैसे किया? बेसिकली जब मैं पहले प्रीलिम्स दे रही थी, मेरा फोकस नॉलेज एक्विजिशन पर था, जो मैंने रियलाइज़ किया कि वो एक वो अप्रोच ने मुझे ज़्यादा हेल्प नहीं किया है. बट इस बार मेरा जो मेन फोकस था वो रिविजन पर था, कॉन्सेप्ट क्लियर करने पर था, और प्रैक्टिस पर था. तो प्रैक्टिस इज़ द मेन की. राइट मैम, प्रीलिम्स की अगर स्ट्रेटजी जानना चाहें स्पेशली, तो प्रीलिम्स के बारे में बताइए. प्रीलिम्स की अगर स्ट्रेटजी आप जानना चाहें, तो टाइमिंग इज़ एन इशू. यू नीड टू टाइम योरसेल्फ. आप ऐसे ही फ्री फ्लो में टेस्ट नहीं दे सकते हैं. प्रीलिम्स में इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप फुल लेंथ टेस्ट दें, जितने दे सकें उतने दें. अपने आप को असेस करना भी एक क्वालिटी है जो आपको इनकलकेट करनी होगी इस एग्ज़ाम के लिए. आप अपने आप को ओवर एस्टिमेट या अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं कर सकते हैं. आपको अपनी रियलिटी पता होनी चाहिए, तभी आप अपने आप को बेटर तरीके से असेस कर पाएंगे. राइट मैम, जैसे प्रीलिम्स आपने के 3 prelims हो गए हैं, तो कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आते थे, एक्यूरेसी क्या रहती थी आपकी? बेसिकली मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट प्रीलिम्स में आई कुड नॉट इवन रीच 100th क्वेश्चन, तो मैं सारे क्वेश्चंस कवर भी नहीं कर पाई थी, और शायद थोड़ा नर्वस हो गई थी, एंजाइटी रिडन हो गई थी. टॉकिंग अबाउट द सेकेंड वन, आई अटेम्प्टेड अप्रॉक्सीमेटली 90 क्वेश्चंस एंड आई मिस द मार्क बाय 4.5 marks. एंड दिस प्रीलिम्स आई वुड से आई अटेम्प्टेड 97 क्वेश्चंस, बट आई वाज
आई वाज वेल प्रिपेयर्ड आई वुड से. ओके ओके. सो मैम प्रीलिम्स के लिए स्पेशली जैसे अभी जैसे 5-6-7 दिन बाद है ही, नॉर्मली 3-4 मंथ्स वास कहा जाता है कि प्रीलिम्स के लिए लग जाओ, मेंस की बिल्कुल भी पढ़ाई मत करो या फिर ऑप्शनल सब कुछ छोड़ दो. तो क्या करते थे आप एग्जाम के लास्ट टाइम में? मैंने काफ़ी इंटीग्रेटेड अप्रोच ही रखी है. मैंने कभी दोनों को इन साइलोज नहीं देखा है, प्रीलिम्स अलग मेंस अलग, मैंने ये कभी नहीं किया है. तो मैंने इंटीग्रेटेड अप्रोच ही अपनाई. हाँ, थोड़ा सा रेशियो ऑफ टाइम डिवाइडेड जो होता था वो थोड़ा सा प्रीलिम्स स्पेसिफिक हो जाता था, बट मैंने दोनों को कभी कंपार्टमेंटलाइज नहीं किया. Right. जैसे कि मैम प्रीलिम्स में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर भी आते हैं और मॉक टेस्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो इसमें आपने क्या किया? Could you please repeat the question? Yeah, ma'am. जैसे कि prelims जो exam होता है ma'am, उसमें previous year questions paper and mock test बहुत ज़्यादा important होते हैं, तो इसकी क्या approach थी आपकी? बेसिकली मैंने थ्रू आउट द ईयर मॉक टेस्ट दिए, जितना डाइवर्सिफाई मैं अपनी अप्रोच को कर सकती थी मैंने उतना किया. अलग अलग कोचिंग सेंटर्स के मॉक टेस्ट दिए, अपने आप को असेस किया, ऑल इंडिया टेस्ट भी दिए, उसमें भी अपनी रैंकिंग के अकॉर्डिंग अपने आप को असेस किया. और उसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब प्रीलिम्स के बहुत क्लोज जब मैं आ गई थी उस टाइम पर मैंने सॉल्व कर देखे वेदर आई स्टैंड अ चांस और नॉट. ओके मैम. मैम मेंस के बारे में बताइए, मेंस में आंसर राइटिंग भी करनी होती है और इतने सारे पेपर होते हैं, 4 तो जीएस के होते हैं, फिर ऑप्शनल के होते हैं, फिर कुछ कंपलसरी भी. मेंस की प्रिपरेशन चैलेंजिंग भी होती है क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम होता है, बट वो काफ़ी एक्साइटिंग भी होती है. तो मैंने इसी तरह से मेंस को देखा, मैंने ज़्यादा फोकस स्टैटिक पर ना करने के बजाय करंट को भी इक्वली लेकर मैं चली, और साथ ही साथ अपना कुछ टाइम अलॉट मैंने ऑप्शनल को किया क्योंकि आप ऑप्शनल को नहीं छोड़ सकते हैं, वो आपका बहुत क्रूशियल फैक्टर है, तो आपको ऑप्शनल पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा. GS is mainly general studies जो आपने पहले prelims के लिए भी पढ़ा है, इसीलिए आपको एक integrated approach रखने की ज़रूरत है. Essay writing थोड़ा मेरा English literature optional रहा है, तो essays में मुझे बहुत ज़्यादा problem face करनी नहीं पड़ी है, तो वो domain मैं कहूँगी किसी हद तक मेरे लिए secure. और ethics मैम? एथिक्स के लिए एथिक्स में मैंने एग्जांपल्स पर थोड़ा ज़्यादा फोकस किया है, केस स्टडीज सॉल्व करने का की ज़्यादा कोशिश की है कंपेयर टू द स्टैटिक पोर्शन. राइट मैम. मैम मेंस में जो क्या क्वेश्चंस पेपर आते हैं और फिर वो हमें आंसर राइटिंग करनी होती है, तो मैम क्या आपने सारे क्वेश्चंस को अपने अकॉर्डिंग जितने वर्ड लिमिट दी जाती है उसके अकॉर्डिंग हर बार हर पेपर पर कर पाए, या फिर कुछ क्वेश्चन छूटे हैं? अगर छूटे हैं तो डेफिनेटली रैंक भी कम होती. हाँ जी, बेसिकली मैं अपने हिसाब से सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाई. टाइम थोड़ा कम होता है और आपको एक टाइम कॉन्स्ट्रेंट लेकर चलना होता है. कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जो आपने कभी नहीं देखे हैं और उनका आंसर सोचने के लिए आपको टाइम लगता है. तो कुछ लास्ट में टुवर्ड्स द एंड थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन के आंसर्स अधूरे रह गए, ये अमूमन GS1, GS2, GS3 में मेरे साथ हुआ. और GS4 में सरप्राइजिंगली वो काफ़ी इस बार लेंदी आया था, तो मुझे लगा कि मैंने शायद केस स्टडीज़ में थोड़ा रेपिटेशन कर दिया है, बट उतना एरर आपको जस्टिफाइड होता है क्योंकि गिवन द टाइम कॉन्स्ट्रेंट एंड द ह्यूमन कैपेसिटी विच हैज़ इट्स लिमिटेशन, सो उतना right. आपको शायद परमिसिबल. मैम जैसे कि प्रीवियस जो टॉपर्स होंगे उनके आंसर राइटिंग की कॉपीज आपने देखी होंगी या फिर किसी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए हेल्प ली होगी, तो वो क्या अप्रोच रहते थे? जैसे कि अभी आज भी आप टॉपर बन गए हो, तो आपकी कॉपी का कोई हेल्प लेना चाहे तो किस तरीके से ले सकते हैं? बेसिकली ये आप कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में जब आंसर राइटिंग करते हैं तो आफ्टर यू क्लियर वो लोग आपकी कॉपीज रिलीज कर देते हैं, एंड दैट्स हाउ योर नॉर्मल पीपल गेट एक्सेस टू द टॉपर्स कॉपीज. उसी तरह से मुझे भी एक्सेस मिला. मैंने काफ़ी अपनी जो कमेंट्स मिलते थे मुझे इवैल्यूएशन पर उनको मैंने बाकी कॉपीज के साथ ट्रेस कर देखा, एक पैटर्निंग मैंने की प्रीवियस ईयर टॉपर्स से, और फिर मैंने आइडेंटिफाई किया कि मेरी मिस्टेक्स क्या है और मुझे किस वे में आगे बढ़ना चाहिए. मैम मेंस और प्रीलिम्स में अगर मैं आपसे कॉमन चीज पूछूं या फिर कॉमन सिलेबस के बारे में तो क्या लगता है? कॉमन सिलेबस आइडेंटिफाई करना थोड़ा ईजी होता है अगर आप GS1, GS2, GS3, GS4 की तरह क्लासीफाई कर पाएँ अपनी इन्फॉर्मेशन को.
जितना इस एग्ज़ाम में नॉलेज वाइडनिंग योर नॉलेज इज़ इम्पॉर्टेंट, उतना ही आप इस एग्ज़ाम में क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज इज़ इम्पॉर्टेंट. तो अगर आप अपने नॉलेज को अच्छे से क्लासिफाई कर सकते हैं तो आप बहुत ईजिली वो पैटर्न देख पाएंगे कि कैसे आपका प्रिलिम्स और मेंस इंटीग्रेटेड है, कहाँ से आपको सब्जेक्ट की नॉलेज उठानी है, और आपको रिविजन करने में भी उतना ही आसान होगा. राइट मैम. मैम सबसे इम्पोर्टेंट, हम अगर सिविल सर्विस में कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो कितने घंटे पढ़ते हो, कितने घंटे पढ़ना चाहिए? और नॉर्मली गांव साइड के स्टूडेंट को तो ये पता होता है 16-16 घंटे पढ़ते हैं जो दिल्ली में स्टूडेंट रहते हैं, तो आप कैसे करते हो? मैं बेसिकली 6-8 आवर्स डेली अपना टारगेट बनाती थी और मैं ट्राई करती थी कि मैं इस टारगेट को हमेशा रीच करूँ. ये बहुत ही रिजिड टारगेट नहीं था, ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल टारगेट था. कभी ये 10-12 आवर्स चला जाता था, कभी ये 4-5 आवर्स रह जाता था, बट ऑन एन एवरेज 6-8 आवर्स आर सफिशेंट. राइट मैम. जो इंटरव्यू है मैम, इंटरव्यू के लिए आपने क्या प्रिपेयर किया था, कैसे किया था, और इंटरव्यू में क्या पूछा गया आपसे? इंटरव्यू के लिए मैंने अपनी प्रिपरेशन मोस्टली करंट अफेयर्स ओरिएंटेड रखी थी. मैंने न्यूज़पेपर्स को बहुत ज़्यादा टाइम दिया था, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस और द इकोनॉमिक टाइम्स, ये तीन मेरे गो टू न्यूज़पेपर्स थे जिन पर मैं काफ़ी ज़्यादा फोकस रखती थी अपना मोस्टली इंटरव्यूज़ कि जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो न्यूज़पेपर ओरिएंटेड ही बनाए हैं. राइट मैम. मैम रिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो रिवीजन की क्या साइकिल होती थी, क्या वीक वाइज करते थे या डेली या फिर मंथली? रिवीजन की जो साइकिल होती थी वो मंथली शुरू हुई थी और धीरे धीरे वो वीकली में शिफ्ट हो गई. तो ये आपका ग्रेजुअल प्रोसेस होता है. जब आप शुरू करते हैं तो आपको टाइम लगता है, बट जब आप इस प्रोसेस से फैमिलियर हो जाते हैं तो आप वो थोड़ी कम साइकिल में कंप्लीट कर पाते हैं. राइट मैम. और नोट्स वगैरह जैसे अभी आप बता रहे थे, तो की नोट्स क्या बनाने का तरीका था? जैसे कि हम लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, फिर स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, फिर डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो उनसे कैसे अपना नोट्स या फिर जो भी आपने बनाया? मैंने जो नोट्स बनाए हैं वो स्टैटिक पोर्शन से मैंने नहीं बनाए हैं. मैंने स्टैटिक पोर्शन को, मैंने बुक्स उठाई हैं स्टैटिक पोर्शन के लिए और उन्हीं में मार्क किया है, क्योंकि मुझे नोट बनाना थोड़ी रिग्रेसिव एक्टिविटी लगती है. और बट मैंने करंट अफेयर्स के, क्योंकि करंट अफेयर्स का मटेरियल आपका इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपको अक्यूमुलेट करने में प्रॉब्लम होती है, तो मैंने करंट अफेयर्स के नोट्स बनाए, डेली नोट्स बनाए हैं, जिसमें मैंने वन वर्ड अपनी अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए वन वर्ड में एक फिनोमिना को समझाने का ट्राई किया है. तो ऐसे मैंने थोड़ी अपनी अप्रोच रखी है. राइट मैम. करंट अफेयर्स को लेकर स्टूडेंट्स काफ़ी प्रॉब्लम में रहते हैं कि द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस या फिर किस सोर्स को फॉलो करें जिससे कि करंट अफेयर्स यूपीएससी के प्रोस्पेक्टिव से कवर हो जाए अच्छे से? आप कोई भी एक न्यूज़पेपर उठा सकते हैं, दोनों ही द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस काफ़ी अच्छे से केटर करते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स की डिमांड को, तो आप उसमें से कोई भी न्यूज़पेपर उठा सकते हैं. मैंने पर्सनली द हिंदू चुना. करंट अफेयर्स मैगजीन्स भी आती हैं आपकी, वो थोड़ा कंसोलिडेटेड वे में होती है और वो आपको थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करने में हेल्प करती हैं, तो आप मंथली मैगजीन्स भी उठा सकते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो न्यूज़पेपर में आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा. ओके मैम. सी सेट को लेकर भी स्टूडेंट काफ़ी कन्फ्यूजन में रहते हैं. जनरली सी सेट के वजह से कई लोगों का प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होता, तो सी सेट के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सी सैट आजकल काफ़ी ट्रिकी हो गया है, बट सी सैट में बेसिकली जो मेरी स्ट्रैटेजी रही है वो एक्सपेंशन, वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव रही है. क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट करूँ मैं, ज़्यादा अटेम्प्ट करूँ, और साथ ही साथ एफिशिएंसी का बहुत बड़ा रोल होता है सी सैट में. तो अगर आपकी एफिशिएंसी अच्छी है, अगर आपकी 85% से ज़्यादा एफिशिएंसी आ जाती है सी सैट में, तो आई थिंक इट शुड बी क्वालिफाइड. राइट मैम. सो अभी जो प्रीलिम्स होने वाला है, 4-5 डेज बचे हैं, उसमें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे एस्पिरेंट जो देने जा रहे हैं? मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि ट्रीट दिस एज योर कूल ऑफ पीरियड. आपने जितनी प्रिपेरेशन करनी थी आप लोगों ने कर ली है. एक्विजिशन ऑफ नॉलेज पर ध्यान मत दीजिए, रिविजन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए. जो आपके एरियाज हैं जो आपको लगता है वीक हैं उनको दोबारा रिवाइज कीजिए. रिविजन के लिए छोटे नोट्स बनाइए, क्योंकि बड़े नोट्स आप बार बार नहीं पलट पाएंगे. और साइकोलॉजिकली भी अपने आप को काम डाउन करने का ट्राई कीजिए, कुछ हॉबीज परस्यू कीजिए, दैट विल हेल्प.
ओके, सो थैंक यू सो मच मैम फॉर योर लवली मैसेज। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि मैम ने ओवरऑल अपनी स्ट्रेटजी और अपनी जर्नी को शेयर किया। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।